दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत में है और इसकी ताकत यहाँ के करोड़ों मतदाता है। जाहिर है मतदान जितना अधिक होगा हमारा लोकतंत्र भी उतना ही मजबूत होगा। इसे लेकर भारत निर्वाचन आयोग हमेशा से वोट का प्रतिशत बढ़ाने की कोशिश में लगा रहता है। रांची के आड्रे हाउस स्थित कला भवन में चल रहे लोकतंत्र का पर्व कला महोत्सव में इसे लेकर कई प्रयास देखने को मिल रहे हैं। यहाँ कलाकार अपने हुनर से वोटरों को प्रेरित करने के लिए पूरी मशक्कत कर रहे हैं। और हर किसी को वोट करना चाहिए। अगर हर कोई वोट करेंगे तो जो भी पॉलिसीज बनेंगे या जो भी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी बदलाव आएंगे वो जो भी चीज़ों उससे देश सशक्त होगा, देश आगे बढ़ेगा। तो इसीलिए सबको वोट करना है और इसी का मैसेज देना चाहते हैं। प्रवीर शाह की तरह ही यहाँ मौजूद दूसरे चित्रकारों ने मतदाताओं को वोट जरूर करने की सलाह देते हुए एक से बढ़कर एक पेंटिंग्स बनाए हैं। स्थानीय चित्रकार खुशी दुबे ने भी अपनी पेंटिंग्स के जरिए वोटरों से वोट करने की अपील तो की ही है, साथ ही चुनाव के इस पर्व को लोकतंत्र का पर्व भी बताया। जिनको भी ये मौका मिलता है उनको जरूर वोट करना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है देश के ऊपर। कहीं कोई गलत चुनाव ना कर ले, और आजकल न्यू यूथ है तो नई सोच को जो ला रहा है उसके साथ हम लोगों को चलना चाहिए। कोलकाता से आई महिला चित्रकार मौमिता झारखंड के ट्राइबल लाइफ को कैनवास पर उकेर रही है। झारखंड में आदिवासी समुदाय की एक बड़ी आबादी निवास करती है। मौमिता का मानना है कि केवल और केवल मतदान के जरिए ही ये अपनी तकदीर और तस्वीर बदल पाएंगे। यहाँ पे यहाँ का जो ट्राइबल ये है, जनजाति है, उनके उनको अवेयरनेस के लिए यहाँ पे कैनवास अपने कैनवास में दिखाने चाहते हैं कि वो भी आगे आए, जो वोट नहीं करते हैं तो आगे आए, वोट करेंगे तो ही जो भी हमारे जो भी नए जो जन आएंगे जनप्रतिनिधि को चुनेंगे उनके थ्रू ट्राइबल जनजाति को भी बहुत इम्प्रूवमेंट होने वाला है। देश के आज़ादी के बाद हुए शुरुआती चुनावों में वोट प्रतिशत लगभग 45% था, जो पिछले चुनाव तक बढ़कर करीब 67% तक पहुंचा है, लेकिन यह अब भी कम है। ऐसे में उम्मीद है कि भारत निर्वाचन आयोग की यह पहल रंग लाएगी और आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में देश वोटों का भी अमृत महोत्सव मनाएगा। रांची से अवधेश गौतम के साथ मैं दिवाकर कुमार।